भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राहुल सभागार में शोध संवाद समूह के द्वारा राम जीवन दास बावला सृजन और सरोकार विषय पर वैचारिक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों एवं वक्ताओं का स्वागत अभिनंदन भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने किया। प्रोफेसर सिंह आगे कहते हैं कि अब हम लोगों को मेगा नैरेटिव की जगह स्मॉल नैरेटिव पर बात करनी चाहिए। बावला जी ग्रामीण चेतना के सशक्त हस्ताक्षर हैं। किसान जीवन के विविध रूप उनके यहाँ देखा जा सकता है। राम काव्य पर उन्होंने आजीवन कार्य किया। उन्होंने राम काव्य पर मार्मिक गीत लिखे हैं, इसलिए राम जियावल दास बावला जी को भोजपुरी का तुलसी कहा जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में बलभद्र जी ने कहा कि बावला जी मूलतः किसान कवि हैं। बावला जी लोक भाषा के कवि हवन, ऊशिव पर, राम पर औरी, खेती किसानी पर खूब कविता लिखले हवन। भारतीय संस्कृति में कौनों का आज अपने आराध्य के नाम के करल जाला। यह कारण बावला जी भी राम औरी शिव के याद कर हर दिनचर्या के काज में करले हवन। लेकिन उनका जीवन के पूरा संग्राम किसान जीवन के आसपास ही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सदानंद साही ने किया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अमित कुमार पांडे ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन केंद्र के वरिष्ठ शोधार्थी आर्यपुत्र दीपक ने किया। आत्मिक जगत में भोजपुरी जनकवि बावला जी की उपस्थिति कैसे दर्ज कराई जाए, उन्हें भक्त कवि तुलसीदास के साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने किसान जीवन पर लिखा है, रामकथा की परम्परा पर भोजपुरी में जो रूपांतरण हुआ है रामकथा का, उस पर उन्होंने कविताएँ लिखी। और इन सब के साथ साथ उन्होंने जीवन के तमाम सारी विसंगतियों पर, हाशिए के समाज की विसंगतियों पर लिखा है उन्होंने। और वो चंदौली भिन्न क्षेत्र के रहने वाले थे, तो वहाँ के जीवन का पूरा परिवेश उनकी कविता में रूपायित होता है। तो आज के दिन हम सब उनकी स्मृति को नमन करते हैं, हम सब उन्हें याद करते हैं और चाहते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया में, शोध और अनुसंधान की दुनिया में राम जीवन दास बावला जी की उपस्थिति दर्ज कराई।